निज मनों करु सुधारी बरनउ रघुबीर विमल जसु जीदाय गोपलचारी। बोलो हनुमान की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हम चौपाई गाते जाएंगे और समझते जाएंगे।
कि हम ये हनुमान चालीसा पूरा जगत लाखों करोड़ों लोग भारत के रोज बोलते हैं, गाते हैं, और इसके अंदर राज क्या है, उसकी शक्ति क्या है, हमने देखा पहले सत्र में कि शिव और शक्ति की बात की, और इसके अंदर हनुमान वहीं से उसी स्वरूप से आए हुए हैं, उसी स्वरूप का एक विभाग है हनुमान, और उसका वर्णन इसमें है कि उनका स्वरूप क्या है और कैसे हैं, और इनके नामस्मरण से हमारे जीवन में उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, और उसका विज्ञान क्या है जो हमारे जीवन में उसका उसकी उपलब्धि हो। सारा जगत हनुमान चालीसा पढ़ता है, अगर हम भी ऐसे ही पढ़ जाएंगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आज हमें उसे टटोरना है कि नहीं, समझना है कि नहीं उसके अंदर क्या राज पड़े हुए, और उस राज से हमारे जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले जब भी ये चौपाई शुरू होती है उसके पहले हमारे भारतीय सनातन परंपरा के अंदर सबसे पहले गुरु का स्थान है। कोई भी रचना, कोई भी काव्य की रचना करे या महाकाव्य की रचना करे, ये महाकाव्य है तो रचना करे तो सबसे पहले गुरु को अर्पण होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं गुरु के चरणों की एक रज समान हूँ और एक हरकत करने जा रहा हूँ, हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे जो जगत को पिरोसना है, परोसना है, वो जगत के हृदय तक पहुँच जाए, बस यही मेरी चाहना है। ये मैं जो चौपाई बनाने जा रहा हूँ, ये जिसने भी रचना की है, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, क्या बोल रहे हैं, निज मनु मुकुर सुधारी, ये समझ में आया ये भाषा आपको, निज मनु, मनु यानी मेरा मन और सारे जगत का मन, मन होता तो मेरा मन हो जाता, मनु कहा है, तो मनु का अर्थ है ये समूह सामूहिक मन। मुकुर सुधारी, मन की अवस्था को सुधारना है मुझे, मेरे मन और इस जगत के सारे मन को सुधारने की ये भावना से एक रज समान, एक चाहक, एक भक्त, एक साधक, अब मैं अपनी भाव की अरज आपके कृपा से अरज करने जा रहा हूं। वर्णउ रघुबर विमल जसु, क्या बोलते हैं, वर्णउ रघुबर विमल जसु, विमल याने क्या, मल रहित, वर्णउ रघुबर, रघुबर रघु याने क्या, बराबर है, जो इतने निर्मल है, मल रहित है, उसका ये भक्त है और उसकी भक्ति का अर्चन में करने जा रहा हूं, भक्त के भक्त की अर्चन करने जा रहा हूं। जसु जो दायकु फलचारी, यानी इसका क्या फल होगा, इसका क्या प्रभाव होगा जगत के ऊपर, क्या उसका असर होगा, वो आपके ऊपर है। मैं तो एक रचना करने जा रहा हूं और ऐसे शुद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर जो शुद्ध है, अपने जीवन में हमेशा मर्यादा में रहे हैं और उसके भक्त रहे हैं, इनके बारे में मैं जगत को उजागर करने जा रहा हूं और शुरुआत कर रहा हूं मुझसे, और मैं तो आपकी एक चरण रज स्वरूप हूं, हे गुरुवर ऐसी मुझ पर कृपा करना कि जो भी निकले मेरे अंदर से, इससे सारा जगत का मंगल और कल्याण हो, और जितनी बार वो बोले, जितनी बार उसको बारंबार रटन करे,
उतनी बार उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़े। और वो प्रभाव क्या पड़े, जिसके अंदर मल है मन का, कष्ट का, वासनाओं का, वो सारा शुद्ध बन जाए। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। मैं कौन हूं तो खुद की बारे में बात करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानी के, क्या कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानी के। आप जानते हो मैं बुद्धिहीन हूं, मैं तो सिर्फ भावना कर सकता हूं, बुद्धि तो है नहीं मेरे पास। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरे पवन कुमार, मैं तो, मेरे पास कोई ज्यादा बुद्धि है नहीं, न चातुर्य है न कुछ है। इनके सामने ये पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार, बस मैं तो उनका नाम स्मरण करता हूं, इस हनुमंत का, पवन कुमार का, जो वायु में भी उड़ते हैं, एक छलांग मारते यहां से वहां पहुंच जाते हैं। मेरे पास बुद्धि नहीं है वो कैसे करते हैं, लेकिन मैं उसकी भक्ति करने जा रहा हूं। उनके अंदर जो भी हो रहा है वो रघुबीर के प्रभाव से हो रहा है, और उनके प्रति पवन कुमार की जो भावना है, वो भावना जो है वो मैं तो अपने शब्दों में डाल दूंगा, हे प्रभु वर, जगत उस शब्दों के अंदर से उनको ये शक्ति मिले और उनको शुद्धि मिले, ऐसी ये मेरी भावना है। बल बुद्ध विद्या देहु मोहिम, क्या बोल रहे हैं, बल बुद्धि विद्या देह मोही, वापस बोलता हूं, क्या बोला, बल बुद्धि विद्या देहु देह मोही मेरे, हरहु कलेश विकार, मैं कहां से किससे भराऊं, मैं स्वयं कहां किससे भराऊं, बल बुद्धि विद्या देह सब में मेरे तो विकार ही भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से मैं ऐसे रघुवीर के भक्त का विमोचन करने जा रहा हूं, गुणगान करने जा रहा हूं। बस ऐसी कृपा करना कि इस भक्ति करते करते मैं भी संकट मोचन बन जाऊं, मैं भी ऐसा रघुबीर बन जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कर देना। अब शुरुआत करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहू लोक उजागर। हे हनुमान, लोग आपको जिस स्वरूप से, बाह्य स्वरूप से देखते हैं, उनका बाह्य स्वरूप क्या है, वानर। तो एक सामान्य आदमी की दृष्टि में क्या दिखता है, जब तक आपको कोई बोले नहीं, बताए नहीं किसी के गुण, यहाँ एक बंदर आ जाए, मालूम है हम लोग पंजगिनी, दो कितने, 3 साल पहले पंजगिनी में ऐसे ही शिवरात्रि हमने मनाई थी, रात को रात भर चला था, सुबह एक बंदर आया, कहाँ से आया किसी को पता नहीं है, इंसान जैसा था वो, दो पैर पे चलता था बंदर, पूरा वो बंगले के ऊपर से कूद के, मैं वहीं बैठा था बगीचे में, ऐसे ही बैठा था, उसने 3 प्रदक्षिणा दी, भगवान बीच में थे, सिमंदर स्वामी, बस यही फोटो थी वो झूले पर, उन्होंने, वो बंदर ने आकर पहले 3 प्रदक्षिणा दी, ऐसे किया मेरे सामने, देखा और चले गया। कहां से आया भाई, ये कैसे आया, क्यों आया और क्या करके गया ये बंदर, मैंने अपनी नजर से देखा, और मेरे साथ कौन थे पता नहीं है, दो चार लोग, आप भी थे ना, हाँ देखा ना आपने, हाँ। और हमने वहां हनुमान की नहीं मूर्ति रखी थी, वो लकड़े की, और जो रात भर वो समा बना था, आनंद भाई थे उसका, मतलब कितने साल पहले, 3-4 साल, हाँ कहा, कोरोना से पहले 18 में के 19 में, 19
बीस में, इक्कीस में कोरोना हुआ ना, उन्नीस बीस में हम नहीं, उन्नीस में हाँ हाँ उन्नीस की बात कर, तो ये 19 की बात कर रहा हूँ 2019 में। तो ऐसे ऐसे चमत्कार वाकई में होते हैं, जो आप भाव ब्रह्मांड, अभी जो मंत्रोच्चार चल रहा था ना, वो आपको उसके अंदर क्या शब्द चलते हैं उसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं वापरना, ये दिमाग का रास्ता है ही नहीं। पहली बात, ये मंत्र और मंत्रोच्चार शिवरात्रि के दिन जो भी मंत्रोच्चार होते हैं, आंख बंद करके, ये भी ये जो चौपाई है ना, दिमाग की चौपाई नहीं है, ये भावना की चौपाई है। ये खुद कहते हैं कि मैं तो विकारों से भरा हूं, जबकि वो बहुत बड़े ज्ञानी है स्वयं जिसने ये रचना की है। कितने बड़े ज्ञानी है, हजारों लाखों लोग आज उसकी चौपाई गाते गाते, ये खाली हनुमान की चौपाई नहीं, उन्होंने उनकी रचना तो बहुत सारी है। तो ऐसे महात्मा और संत जब अपने आप को क्या कहते हैं, अपना खुद का वर्णन क्या करते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु क्लेश विकार, मैं तो ऐसा हूं और मैं बस इनके जैसे भक्त बनना चाहता हूं। किनके जैसे भक्त? हनुमान। और आप देखना, इतिहास में देखना, भगवान से सबसे हमेशा पूजित कौन होता है मालूम है? भक्त होता है। हमारी जैन परंपरा में भी देखना, महावीर भगवान इतने मशहूर नहीं है जितने गौतम स्वामी ने लब्धि हो जो, हाँ, शनिवार को राम को कोई मिलने नहीं जाता है, किसको मिलने जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? भक्त बनने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, जिसके पास दिमाग है वो कभी भक्त बन नहीं सकता। तो जब भी ये मंत्रोच्चार चलते हैं ना, आंख बंद करके उसको आनंद, उसका आनंद लीजिए। मौका दूंगा आपको वापस, अभी थोड़ा ज्ञान देने की आवश्यकता है। जैसे ज्ञान आपके अंदर प्रकटेगा, समझ में आएगा, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग मोर, क्योंकि इसके बाद हमें भगवान से मिलना है कि नहीं, नृत्य करते करते, हाँ मिलना है कि नहीं? तो हनुमान जी ने भगवान को कैसे पा लिया अपने जीवन में, उसको समझेंगे तो हमारे अंदर कम से कम कोई तो लायकात खड़ी होगी, हाँ, तो शिवत्व तो अपने आप आ जाएगा। जब राम मेरे हो जाए, हाँ, तो मेरा रोड तो खुल गया ना, हाँ? मैं बार बार बोलता हूं कि सिमंदर स्वामी के चार्टर्ड प्लेन में बैठना है तो मेरे साथ रहना, जितने रहेंगे वो अपने आप बैठ जाएंगे, उसमें दिमाग वापरना नहीं है। जिसने दिमाग वापरा, ये देखो बेवकूफ बना रहा है, देखो, तो गया वो काम से, वो 12 के भाव में गया। शिव शिव नमो, शिव शिव